हाय फ्रेंड्स, हमारे पास आज एक मॉडल आया हुआ है 1989। अभी इसमें हमारे मृतक जो हमारे मित्र हैं उनकी समस्या क्या है, तो वो अपना आईडी पासवर्ड वगैरह कुछ भूल चुके हैं, तो इसमें एफआई लॉक का सिंबल आ रहा है। जैसे आप देख सकते हो, अगर जो इंटरनेट पे वीडियोस हैं जिसमें बोलते हैं लोग डीएफई मोड में डाल के इसको बाईपास कर सकते हैं, तो मैं पहली जानकारी आपको ये देना चाहता हूँ कि ये सारे वीडियोस फेक हैं। अगर आपका जो मैकबुक है अगर EFI में है तो वो कभी भी DFE में या रिकवरी में जाएगा ही नहीं। तो हम इसके लिए इसको ओपन कर रहे हैं, इसके लिए हमारे कोलीग इसका हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं जिनका नाम है सरजील भाई। सरजील भाई इसको ओपन करके बोर्ड निकालेंगे। बोर्ड निकालने के बाद क्या है, तो हमें इसका बायोस चाहिए या जो SPI रोम जो है इसका SOC रोम है वो हमें चाहिए, जिसको हम रीप्रोग्राम करेंगे और इसका लॉक हटाएंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने इसका डायग्राम ओपन कर लिया है और जो इसका SPI का नंबर है उसको हमने कॉपी कर लिया है। तो अब हम मूव होंगे बिट मैप की तरफ। ये हमारा बिट मैप है और बिट मैप में जाके हम सर्च करेंगे सेम नंबर, जैसे 4770 इसको हम सर्च करेंगे। इससे हमें इसकी SPI रोम का एड्रेस मिल जाएगा कहाँ पे वो है। तो ये हमें मिल गया और अब हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं माइक्रोस्कोप की तरफ और देखते हैं कि वो IC कहाँ पे है। देखिए, हमने इसको ढूंढ लिया है ना, हम ढूंढ ही लेते हैं कैसे भी करके। तो इस पर पेस्ट डाल के इसको निकालेंगे। निकाल के हम लोग चलेंगे यूफिक्स बॉक्स की तरफ। तो ये हमारा यूफिक्स बॉक्स है, इसके अलग अलग जिग आते हैं। तो हमें जो हमारा मैकबुक है, बिकॉज वो 2020 का है, तो या 2018 से लेके 2020 तक का कोई भी जो T2 का एडिशन है वो इसी में उसका M1 और T2 का जो रोम उसे प्रोग्राम करने के लिए यूज़ में आता है। इसमें टाइप सी का हम पावर देंगे, आप चाहिए तो बैटरी भी लगा सकते हो। लगाने के बाद यह पावर की दबाना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, ठीक है। तो अब हम ये हमारी जो उसकी बायोस है या जो उसकी EEPROM है आप समझ लीजिए। तो आप देखिए, तो यहाँ पे एक मार्क है, तो हमारा जो पिन नंबर 1 होगा वो इसके अकॉर्डिंग ही होगा। इसको प्रॉपर रखना है एकदम, ये रख दिया हमने और हम अब इसको लॉक कर देंगे। जैसे आपने क्या करना है, स्मार्ट आइडेंटिफिकेशन पे ओके करोगे तो यहाँ पे जो रोम लगी है हमारी उसका नंबर आ जाएगा, जो हमारा रोम है उसका मॉडल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ये तो हमारी IC डिटेक्ट हो गई, इसका मतलब फिर हमने जाना है ओपन फाइल में। ओपन फाइल में जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल करना है, आपको T2 दिखेगा, T2 में जाना है, बिकॉज हमारा जो मैकबुक है वो T2 है। तो T2 आप देख सकते हो, T2 रोम ओरिजिनल डाटा लिखा हुआ है। इस पर जब ओके करोगे तो यहाँ सारे मॉडल नंबर आ जाएंगे। तो हमारा जो है वो मॉडल नंबर है 1989 T2 ओरिजिनल डाटा। हम जैसे इस पर ओके करेंगे ये फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि ऑटो प्रोग्राम में जाना है। ऑटो प्रोग्राम क्या करेगा, जो उसका सिक्योरिटी है उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए इरेजिंग चिप लिखा हुआ आ रहा। इससे क्या होगा कि जो उसका सिक्योरिटी एरिया है वो इरेज होगा और फिर वहाँ पे नया ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा। और हाँ, जब ये अपना डेटा राइट कर देता है तो इससे क्या होता है, इसका सीरियल नंबर चेंज हो जाता है। तो आपने रिस्टोर करने के बाद उसको सीरियलाइज करना है। अगर सीरियलाइज पे वीडियो चाहिए तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे कि मैकबुक को सीरियलाइज कैसे किया जाता है। बहुत ही ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक्चुअली में सारा ही काम ईजी है, बस थोड़ा डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर में। और ये राइटिंग हो रहा है, अब पहले इरेज हुआ, अब डेटा राइट हो रहा है। आपने कुछ नहीं करना, ये अपने आप ही सारा कर देगा, बस खाली फाइल सिलेक्ट करनी है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑटो प्रोग्राम कर देना है और जैसे ही डन हो जाएगा ये बहुत ज़ोर से बीप मारेगा, ये जितने भी बीप मारी है। अब आपको और कुछ नहीं करना है, सीधा इसका बायोस निकालना है और हमें इसको बोर्ड पर लगा देना है। तो जब भी आप बायोस प्रोग्राम करोगे तो आपका जो मैकबुक है या iMac है वो सीधा DFU में जाएगा, आपको उसके लिए कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। खाली आप IC लगा दीजिए, वो भी अच्छी तरीके से। अगर IC नहीं भी लगी होगी तो भी DFU में ही जाएगा। इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो फ्लक्स है ना वो थोड़ा सा फ़ोन में तो कोई बात नहीं, iPhones में कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन मैकबुक में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिकॉज उसमें हाई फ्रीक्वेंसीज ट्रांसफ़र होती है। तो अभी फिर से हमारे जो सरजिल हैं वो आ गए हैं मैदान में और अपने हिसाब से उसको वो फिट कर रहे हैं। ये प्रो प्लेयर हैं, इनको बहुत टाइम लगता है, विद इन 2-3 मिनट्स में ये मैकबुक सारे स्क्रू एक जगह पे लगा देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग यार देखते हो यार, लाइक वाइक कर दिया करो, इसमें आपका कहाँ पैसा खर्चा हो रहा है, ना गूगल पे करना है, ना फ़ोन पे करना है, हैं कुछ नहीं करना है, फिर भी नहीं लाइक कर रहे हो, नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो, ये तो गलत बात है, पॉकेट में ज्ञान लेके जा रहे हो। चलो कोई बात नहीं है। तो हमें रिस्टोर करने के लिए 2 PC चाहिए होता है और ये थोड़ा सा हम फास्ट भगा रहे हैं क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेलिंग दी हुई है। तो आप जैसे ही PC में कनेक्ट करोगे DUF में कनेक्ट होगा और आपको उसको रिस्टोर करना है। इसके बाद वो रिस्टोर हो जाएगा, अगर सारा कुछ सही है तभी रिस्टोर होगा, अगर प्रोग्रामिंग गलत है तो एरर आ जाएगा। वो एरर के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। जो एरर आएगी उसके बारे में भी हम नेक्स्ट सारे एरर्स पे भी वीडियोस बनाने वाले हैं कि आपका अगर कौन सा एरर है तो वो कैसे डायग्नोस होगा, उसके लिए भी हमारे पास सारे ट्रिक्स हैं और सारा चीज़ है। तो आपने देखा कि मैंने PC to PC इसको रिस्टोर किया, पहले तो रिवाइव करना ही पड़ेगा और उसके बाद फिर मैंने इसमें OS रन किया है। तो आप देख सकते हो कि इसमें OS चढ़ चुका है। ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, एटलीस्ट हमको इस वीडियो को बनाने के लिए कम से कम कुछ नहीं है तो 7 से 8 घंटे देने पड़े हैं और इस वीडियो को मैं आपके लिए 6 से 7 मिनट में लेके आया हूँ। तो आपको ये देखना बनता है और इससे आपका नॉलेज भी गेन होता है। अगर आप खाली C2C कैसे फ्लैश होता है इस पर वीडियो चाहिए, या मतलब PC to PC कैसे रिस्टोर होता है इसी पे वीडियो चाहिए, तो हम उस पर डिटेलिंग कर देंगे। देखिए मैं फिंगरप्रिंट वगैरह सारा कुछ लगा रहा हूँ, ये ऑन हो गया है, वाईफाई भी कनेक्ट कर दिया है। अब मैं YouTube चलाऊँगा और आप इस पर अपना जो है वो आप सॉन्ग भी सुन सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।